नया स्कूल, नए फ्रेंड्स, नए एक्सपीरियंसेस, ये बहुत ही मजेदार होता है, खासकर अगर ये शहर का सबसे महंगा स्कूल हो। बस गरीब मैरीज महंगे स्कूल के कूल स्टूडेंट्स की सोसाइटी में फिट नहीं होती। हेलो, इस गरीब को यहाँ किसने आने दिया? सिक्योरिटी, नहीं नहीं रुको। लड़की तुम अंदर कैसे आई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। पर मैं नई हूँ, देखो मेरे पास पास भी है, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। हो सच में माफ करना, गलती हो गई। तो मैं मैरी हूँ, चले दोस्त बने हम तुम्हारे साथ। कभी नहीं, हाँ इन क्लासमेट्स के साथ मैरी को बहुत परेशानियों का सामना करना होगा। इतने सारे कूल सब्जेक्ट्स, हम जानना चाहेंगे कि तुम जैसी लड़की यहाँ कैसे आ गई? जाहिर है कि तुम्हारी फैमिली तो इस स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सब मेरे डैड की वजह से है। वो एक फायर फाइटर और एक असली हीरो है। पिछले साल स्कूल में आग लग गई थी, हर जगह आग की लपटें थी। हे लड़के, क्या तुम जिंदा हो? लगता है वो सांस ले रहा है, उठो। हाँ, मेरे डैड ने अंदर जाकर प्रिंसिपल रेडनर के बेटे को जलती हुई बिल्डिंग से बाहर निकाला था। डैडी, डैडी, वो सच में चमत्कार की तरह था। बेटा तुम जिंदा हो? मुझे लगा था मैं तुम्हें खो दूंगा। रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, अपने पैसे रखिए, ये तो मेरा काम है। मुझे पता है तुम क्या लोगे, तुम्हारे बच्चे हैं। ये लो, हमारे स्कूल का इनविटेशन ले लो। खैर, ये मेरे के लिए अच्छा मौका है और मैं यहाँ ऐसे आई हूँ। चलो भी, रोना बंद करो। खूबसूरत जेन और उसके वीआईपी साथियों ने इतनी इमोशनल कहानी की उम्मीद नहीं की थी। महंगे स्कूल का मतलब है महंगी टेक्नोलॉजी, और जाहिर है कि गरीब मैरी ने ये सब जिंदगी में पहली बार देखा है। वो किसी को देखकर सीख सकती है, ये आसान है, बस कार्ड लगाना है। वाला हाँ, यहाँ का सिक्योरिटी लेवल काफी हाई है, इसलिए स्कूल में सिर्फ अमीर लोग ही पढ़ते हैं। मेरे पास भी ये कार्ड है। कोई प्लीज मैरी को बताओ कि फूड स्टैम्प्स यहाँ काम नहीं करते। बेकार सा लॉकर, खुल जाओ। ओह ये लगता है सबसे महंगी टेक्नोलॉजी भी कभी कभी फेल हो जाती है। मैं भी ये कर सकता हूँ। हे, लाइट किसने बंद की? साथ में लंच करने से मैरी जरूर अपने क्लासमेट के साथ दोस्ती कर पाएगी। ओह ये जरूर हमारे प्रिंसिपल है, मुझे जाकर हेलो बोलना चाहिए। हेलो, मैं मैरी हूँ, आपका स्कूल बहुत अच्छा है। पर मैं नहीं हूँ। उसे लगा एलेक्स हमारे प्रिंसिपल है। अब चलो मजे करते हैं। उफ, मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली थी। ओह, मैंने अपनी लाठी गिरा दी। चिंता मत कीजिए जेन, किसने सोचा था कि स्कूल का क्लीनिंग स्टाफ भी इतना रिस्पेक्टेबल होगा। ओह, और ये है असली प्रिंसिपल। हेलो, मैं मैरी हूँ। ओह, क्या तुमने हमारे क्लब्स में से किसी को ज्वाइन किया? कौन से क्लब्स? तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट? माफ करना, अभी तक नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलम क्लब्स भी स्कूल में इज्जत की बात है। हर स्टूडेंट को क्लब में इनवाइट किया जाता है, जहां वो अपने टैलेंट को दिखा सकता है। आखिरकार हर स्टूडेंट अपने आप में टैलेंटेड होता है। बिल्कुल हर कोई, मुझे अभी तक इनवाइट नहीं किया गया। गरीब क्लब तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। देखा, पर ऐसा कोई क्लब हमारे स्कूल में अभी तक बना ही नहीं है। ये तो गलत है, पर कम से कम मैं जो चाहती हूँ वो तो कर सकती हूँ। कितना मजा आया। हे, क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? चलो भिदय, तुम ये कर सकते हो। हाँ, ये तीसरी कोशिश और वो अंदर आ गया। फिर भी ये जरूरी टेस्ट को मिस करने से तो बेहतर ही है। क्लास के लिए तैयार होने का समय, और लगता है गरीब मैरी घर से आधी से ज्यादा लाइब्रेरी उठा कर लाई है। जरा उन किताबों के पहाड़ को तो देखो। लड़कियों, क्या तुम मुझे एक पेन दे सकती हो? क्या तुमने सुना, इस स्कूल के स्टूडेंट्स काफी समय से क्लास में लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि तुमने साल के पहले स्कूल टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी की हो। शुरू करो। मेरे पास तुम्हारे लिए पेन है मैरी, ये लो। शुक्रिया, बहुत फनी था। ओह बेचारी, खैर मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैरी, मेरा ले लो, अपना बेस्ट करना। शुक्रिया मिस्टर बेल, जवाब यही कहीं पर होना चाहिए। पासवर्ड वाला फोल्डर, पासवर्ड क्या हो सकता है? हाँ, मेरा प्यारा डचेस, मेरी आंखों का तारा। डचेस, ये शायद काम करे। चलो कोशिश करें। हाँ, काम कर गया। क्या एफ? ओह नहीं, मुझे भी एफ मिला। डैन, मुझे भी। और मुझे ए मिला। पेन के लिए शुक्रिया जेन।
मुझे अब ये और नहीं चाहिए। वो ऐसे बच के नहीं जा सकती, हमें उसे सबक सिखाना होगा। ओह, क्या ये मेरे लिए है? तुम कितने अच्छे हो। उप्स, मेरे फिर से दिन में सपने देख रही है। जल्दी उठो और हमें हमारे ऑर्डर दो। बॉन एपेटिट। शैतान लड़कियों, शायद से एक नया दिन मेरे लिए कुछ अच्छा लाए। बदला लेने का समय है। डैन, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। चलो शुरू करें। हाँ, ऐसे हालात में पढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, म्यूजिक बंद करो, क्लास शुरू हो चुकी है। मैं कुछ नहीं सुन पा रही। स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हो रहा है? म्यूजिक बंद करो। नहीं, खैर, ये तुम्हारे लिए नया टेस्ट है। इस बार तुम लोग ये बिना लैपटॉप्स के करोगे। मैरी, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। क्या मैरी सच में लकी हो चुकी है? उसका अच्छा समय आ चुका है, पर उसके क्लासमेट्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आखिरकार नहाने का समय है। एक सेकंड रुको, मुझे खुशियों की खुशबू आ रही है। पैसा पैसा पैसा, तुम कहाँ हो मेरे प्यारे? मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। हेलो स्टूडेंट, तुम्हारा टेस्ट है, तुम हमारे स्कूल के लिए क्या लाए हो? एक नई स्कूल लिमोजिन। कितना बड़ा दिल है जेन, तुम्हें ये मिलता है। सिंडी, क्या ये तुम्हारा डोनेशन है? स्कूल रेस्टोरेंट के लिए। अच्छी लड़की। बेटे, नए स्पोर्ट इक्विपमेंट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। मैरी, हाँ, लगता है मैरी को कुछ परेशानी आ रही है। काम करती रहो मिस्टर बेल, इसे एफ मिलता है। पर मेरा तो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ। जाहिर है अमीर जीन के पास गलत काम करने का भी बहुत एक्सपीरियंस है। ओह, क्या ये फिर से खुलने वाला है? हाँ, आसान। ओह, वो टेस्ट कहाँ है? मिल गया। डैड को मुझ पर बहुत गर्व होगा। मेरे तरीके बहुत महंगे हैं, जो इसे आसान बनाते हैं। स्पोर्ट्स सबको साथ लाता है, पर लगता है यह कुछ भी मैरी की मदद नहीं करेगा। जरा उस बेचारी को देखो, उसके पास पैसे भी नहीं है और फैशन की समझ भी नहीं। खैर लड़कियों, चलो वर्कआउट करते हैं। मैं डंबल्स के साथ शुरू करूंगी। इतनी जल्दी नहीं। हे, खैर कोई बात नहीं, मैं ट्रेडमिल पर जाऊंगी। हाँ, मुझे भागना पसंद है, पर पहले मैंने कहा था। ओह, तो ये बात है, अभी बताती हूँ। अब कैसा लगा जेन? कितनी स्पीड ठीक है? शाबाश मैरी, तुम्हें अपने लिए खड़ा होना चाहिए। अच्छे सबक सिखाया। चलो एक और सेल्फी लेते हैं। हे, साइड हटो। ओह नहीं, कितनी बदबू आ रही है। हाँ, वर्कआउट के बाद यहाँ बढ़िया खुशबू का नामो निशान नहीं है। इसे कहते हैं बदला, असली टॉर्चर। क्या आपको लगता है कि जेन और सिंडी को अच्छा सबक मिला? अपने जवाब कमेंट्स में बताएं। मेरा छोटा सा नाखून, नहीं। ओह, कितना बुरा हुआ। चिंता मत करो हनी, हम इसे अभी ठीक कर देंगे। क्या उसे मैनिक्योर मिल रहा है? मुझे भी चाहिए। आह सोफी, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। हो गया, बढ़िया, शुक्रिया। ये रहा तुम्हारी टिप। ठीक है, क्या मेरे बैकपैक में भी पैसे हैं? कम से कम कुछ सेंस। चलो भी, ये रहे, मिल गया। लगता है मेरी को पैसों के साथ कुछ और भी मिला है। हे भगवान, ये क्या है? हम तुम्हें नेल्स के साथ स्कूल में नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं देख सकते, उसे हमारे स्कूल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। खैर, ये काफी बेहतर है। वाह, शुक्रिया मास्टर। अमीर स्कूल में ये एक और दिलचस्प लेसन है, पेंटिंग। रंगों पर ध्यान दो, शेड्स की पूरी पैलेट को महसूस करो। प्यारे बच्चों, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आराम करो। हाँ, आराम शब्द से स्कूल के स्टूडेंट समझते हैं कि उन्हें अब्रॉड के लिए ट्रिप पर जाना है, पर गरीब मेरी सिर्फ उनसे चल ही सकती है। क्या वो चले भी गए? जिंदगी इतनी अनफेयर क्यों है? कोई बात नहीं, चाहे मैं कहीं नहीं जा सकती, पर मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। लगता है मेरी कुछ करने वाली है, पता नहीं क्या। तो चलो लेसन कंटिन्यू करें। पेंटिंग में कलर सबसे जरूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? सिंडी देखो। चलो भी, यकीन नहीं होता, उसे मालदीव जाने के लिए पैसे कहाँ से मिल गए? ये नामुमकिन है। मैरी, ओह तुम लोग वापस भी आ गए, बस मेरी पेंटिंग को मत देखना। तो ये मालदीव है, तुम गलत समझ रहे हो। खैर, मैरी का प्लान फेल हो गया, पर कम से कम उसे पेंटिंग में ए तो मिला। टेन, पर उन केलों के नीचे कोई बास्केट नहीं है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे ऐसे ही दिखता है। वो फिर से अपनी किताबें ले आई। सिंडी, क्या तुम ये सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? चलो शुरू करें।
हाँ, ये बिगड़ी हुई लड़कियाँ इतनी फ्रेंडली नहीं है। बिल्कुल निशाने पर लगा। आई आई मैरी डैन, ओह वो कितनी खूबसूरत है। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शुक्रिया। ओह तुम्हें अपने चेहरे देखने चाहिए। मैरी क्या तुम ठीक हो? हे, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? इसे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हें मुझसे निपटना होगा। चलो चले। लगता है कि मैरी को पैसे से भी कुछ ज्यादा जरूरी मिल गया। उसने अपना सच्चा प्यार ढूंढ लिया। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं।